ग्यारह दफे गुरु शरीफ पढ़ लें और ग्यारह दफे या हयो या कयूम पढ़ के आंखें बंद कर लें। और जैसे कि मैंने सुबह अर्ज किया था वो नुक्ते वाला मुराकबा, ये तसव्वुर करें कि मेरे दिल में एक सिया नुक्ता है और वो सिया नुक्ता एंटी क्लॉक वाइज उल्टे पैरों की तरह घूम रहा है। अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस सिया नुक्ता एंटी क्लॉक वाइज इसका घूमना और इसके पीछे क्या सूरत है जिसकी वजह से इंसान कायनाती रूहों से वाकिफ होता है, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। आप साहिबान दोबारा तशरीफ लाए तो इंशाल्लाह। और ये मैं आपको बात बता दूं, ये नुक्ते वाला जो मैंने आसवा बताया था, आसवा जो बताया था, ये वजूर करंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का बराए रास्त हुक्म है कि अब अपने बच्चों को ये सिया नुक्ते वाला सबक जो है वो बता दो। अब आपका ये काम है कि जिस तरह आपने पहले लापरवाही की है, मुराकबे को कोई अहमियत नहीं दी, दुनियावी मामलात को ही हमेशा आपने अहमियत दी, ठीक है दुनियावी मामलात को भी कम से कम इतनी अहमियत देते हैं, इतनी रूहानियत को तो अहमियत आपको देनी चाहिए ना निश्चित। अब सूरत यह है कि 24 घंटे में आप 23 घंटे दुनिया को अहमियत देते हैं, एक घंटा मुश्किल से रूहानियत को अहमियत देते हैं और उसमें भी नागा होती रहती है, तो ये इससे नुकसान है। खसर दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन।